जबलपुर नगर निगम के दमकल विभाग को 10.5 करोड़ की लागत से नई TTL मशीन यानी टर्न टेबल लेडर मिल गई है, जो नगर निगम के लिए एक काफी बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इस TTL की खासियत यह है कि यह काफी ऊंचाई पर जाकर आग बुझाने में काफी कारगर साबित हो सकती है और इससे लोगों की जान भी बचाई जा सकती है, जिसके चलते आज TTL और दमकल विभाग के सहयोग से एक मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉकड्रिल में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू भी उपस्थित रहे। बताया गया है कि यह मॉकड्रिल रामपुर स्थित ओजस बिल्डिंग में की गई है, जहां इस TTL के जरिए 17वीं मंजिल तक जाया गया। इस TTL के आ जाने से जहां ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह नगर निगम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसा भी कहा जा रहा है कि इससे काफी ऊंचाई तक पहुंचकर आग बुझाने के साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा सकता है। गौरतलब है कि यह TTL यानी टर्न टेबल लेडर 10.5 करोड़ की लागत से नगर निगम को मिली है। टर्न टेबल लैडर जो 10.5 करोड़ रुपए की राशि से नगर निगम जबलपुर में आया, जो मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं है, वो इस बात के लिए कि कहीं अगर आग लग जाती है, कहीं गैस का रिसाव हो जाता है, किसी प्रकार की परेशानी होती, तो इतनी हाइट की जो बिल्डिंग्स बन रही है 17-18 मंजिल, हम कैसे पहुंचे। तो यह वो मशीन है, 5 मीटर तक ऊपर जाती है, मतलब लगभग 18 मंजिल 360 डिग्री पे घूमती है, डबल पर्पज का काम करती है। तो अग्नि बुझाने का काम या गैस हो तो उसको शांत करने का काम, दूसरा साथ ही साथ रेस्क्यू करने का काम, रेस्क्यू के साथ साथ आग बुझाने का या गैस को दबाने का काम, यह काम इस मशीन से हो सकेगा। जो हाइट हम लोग ये देख रहे हैं ओजस के ऊपर हम लोग जब गए, 17 मंजिला बिल्डिंग, तो इस पे भी ऊपर उसके 2 मंजिल और ऊपर गई, तो और हम लोग बेसमेंट से जा रहे हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि जबलपुर शहर की है, संस्कारधानी के नागरिकों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। ईश्वर न करे कभी कोई ऐसी घटनाएँ हों, लेकिन घटना होती है तो हम लोग इस बात के लिए अब तैयार हैं। अगर कहीं कोई आधे घंटे बाद भी घटना हो जाए, मुझे मुझे उस बात लिफ्ट में मैं ऊपर तक गया, मैंने देखा, मुझे इस बात का सुकून मिला ऊपर जाकर, जिस तरीके से मशीन ये जा रही है, जिस गति से जा रही है, जिस गति से 360 डिग्री पे घूम रही है, निश्चित तौर पर अगर ऊंची हाइट पर कभी कोई ऐसी घटनाएं होंगी, आगजनी की या अन्य कोई घटना, या बिल्डिंग कहीं ध्वस्त होती है और लोगों को निकालने की बात आती है, तो यह मशीन बहुत आसानी से, बहुत आराम से, बहुत जल्द रेस्क्यू का काम कर सकती, लोगों को निकालने और बचाने का काम करेगी। ईश्वर न करे, मैं बार बार कहता हूँ कभी ऐसा हो, लेकिन कभी अगर ऐसा होगा तो यह मशीन बहुत सारी जान बचाने में हम सब के लिए सहयोगी होगी, सहायक होगी। आज सूट भी, अग्नि सूट आ रहे हैं, वो वैसे सूट हैं कि अगर अभी आग लग जाती है तो अंदर घुसना संभव नहीं होता, धुआं होता तो अंदर घुसना संभव नहीं होता। 5 सूट हम ऐसे खरीदने वाले हैं जो लगभग 20 लाख की लागत के होंगे, कि जब लगी हुई आग में अंदर हमारे फायर फाइटर्स जा सकते हैं और लोगों को बचाकर लगी हुई आग में बाहर उनको पकड़ के ला सकते हैं। अभी हमको इंतज़ार करना पड़ता है कि आग बुझ जाए, तब हम अंदर फंसे हुए लोगों को लाएं, तो उसमें कई बार दुर्घटना बहुत बड़ी हो जाती है। अब वो फायर के सूट जब आएंगे तो हमको वो एक बड़ी उपलब्धि भी और होगी। जबलपुर से टीम लोक मंगल।